الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وخاتم الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه محبت سے پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله قابل سب عزت و تکریم واجب التعظیم بہکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا عین الہدا صاحب دامن برکات العالیہ قابل تعظیم سادات کرام محترم بزرگو دوستو عزیز بھائیو یہ میری خوش نصیبی اور خوش قسمتی ہے کہ جامع مسجد اہل بیت کے اندر مجھے کچھ عرض کرنے کا موقع فراہم ہوا ہے معذرت کے ساتھ چونکہ میں گفتگو اردو زبان میں ہی کر سکتا ہوں اس لیے آپ حضرات توجہ ذوق اور محبت کے ساتھ بیٹھ کر سرکار کا ذکر سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو مجھے اور آپ کو سرکار کی بارگاہ سے فیضان عطا ہوگا میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی ہے پروردگار عالم شاہ فرماتا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک اے محبوب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے اللہ کریم نے
अपने महबूब के जिक्र की बुलंदी का तज़किरा किया है कि हमने अपने हबीब के जिक्र को बुलंद कर दिया है। जनाबे नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन हाजिर होकर जब ये आयत पेश करते हैं कि अल्लाह करीम फरमाता है कि हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है, तो सरकार फरमाते हैं कि जिब्राइल इस आयत की तफसीर बयान करो कि अल्लाह ने कैसे मेरे जिक्र को बुलंद किया है, किस तरह बुलंद किया है। तो जिब्राइल अमीन हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, तफसीर बयान करना ये मेरा काम नहीं, मेरा तो काम है पैगाम को लाना, आपकी खिदमत में पेश कर देना, इसकी तफसीर बयान करना ये मेरे बस की बात नहीं, ये इसकी तफसीर या खुदा जानता है या उसका प्यारा हबीब मोहम्मद मुस्तफा जानता है। तो सरकार फरमाते हैं कि जिब्राइल जाओ अल्लाह की बारगाह से पूछ के आओ कि इस आयत की तफसीर क्या है, किस तरह अल्लाह ने मेरे जिक्र को बुलंद किया है। जनाब जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह में जाकर पैगाम अर्ज करते हैं और फिर अल्लाह ताला वापसी पैगाम देता है कि ऐ जिब्राइल जाकर मेरे महबूब से कहो कि इस आयत की तफसीर यह है कि इजा जुकिर तो जुकिर तमाई, जिस जिस मकाम पर मैं रब का जिक्र होगा मेरे जिक्र के साथ साथ ऐ महबूब तेरा जिक्र भी होगा, तेरा तज़किरा भी होगा। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि आप आजान को ले लें, नमाज को ले लें, कलमाए तशहुद को ले लें, कलमाए तय्यबा को ले लें, कुरान मजीद के अंदर जहां पर अल्लाह ने अपनी इताअत का हुक्म दिया है, मैं युतिउर रसूल फकत अता अल्लाह अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यानी जहां अल्लाह ने अपनी इताअत का हुक्म दिया है वहां हुजूर की इताअत का हुक्म दिया है, जहां आजान के अंदर अपना नाम रखा है वहां हुजूर का नाम रखा है, जहां नमाज के अंदर अपनी तारीफ रखी है वहां हुजूर की तारीफ रखी है। तो आप कोई इबादत जो भी आप लेंगे आपको नजर आएगा कि जिस जिस मकाम पर अल्लाह का जिक्र है उसके साथ ही हुजूर मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र है। उर्दू के किसी आशिक ने बड़ा प्यारा तर्जमा किया है कि देखिए कैसी शान है मेरे आका अलैहिस्सलाम की, फरमाते हैं कि अज़ां क्या जहां देखो ईमान वालो, अज़ां क्या जहां देखो ईमान वालो, पसे जिक्र हक जिक्र है मुस्तफा का, पसे जिक्र हक जिक्र है मुस्तफा का, तो पहले जुबान हम्द से पाक हो ले, पहले जुबान हम्द से पाक हो ले, फिर नाम ले तू हबीबे खुदा का, तो फिर नाम ले तू हबीबे खुदा का, तो फिर नाम ले तू हबीबे खुदा का। अल्लाह ताला फरमाता है ऐ महबूब नमाज के अंदर आजान के अंदर जहां जहां मैंने अपना जिक्र रखा है ना वहां उसके साथ ही तेरा जिक्र भी रखा है। और गौर कीजिए कलमाए तय्यबा के अंदर अल्लाह ताला ने अपना नाम पहले रखा है और अपने हबीब का नाम बाद में रखा है। उलमा फरमाते इसके अंदर राज और नुक्ता यह है कि जब बंदा अल्लाह का नाम लेता है तो उसकी जुबान पाक हो जाती है, उसका जिस्म पाक हो जाता है,
अल्लाह ताला फरमाता है पहले मेरा नाम ले, तेरी जबान पाक हो जाए, पाक जुबान से मेरे महबूब का जिक्र करना, पाक जबान से मेरे महबूब का तस्करा करना। सुभान अल्लाह, क्यों? इसलिए कि मेरा महबूब पाक है। और मजे की बात यह है कि मेरा महबूब सिर्फ पाक ही नहीं है, पाक करने वाला है। एक होता है ताहिर, ताहिर का माना पाक, और मुताहर का माना होता है पाक करने वाला। कमली वाले की जात खुद भी पाक है, आपकी अहले बैत भी पाक है, और ये ताहिर भी है मुताहर भी है, ये खुद भी पाक है, और जो इनके दामन से वाबस्ता हो जाता है वो बंदा भी पाक हो जाता है। तो फरमाया कि जहां पर मेरा जिक्र होगा वहां वहां मेरे महबूब का जिक्र होगा। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इस आयत की एक और तफसीर भी है, वो ये कि अल्लाह फरमाता है जालतु का जिक्रम मिन जिक्री, ऐ महबूब मैंने अपने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया है, गोया जो तेरा जिक्र करता है वो हकीकत में खुदा का ही जिक्र कर रहा है। हज़रत अल्लामा से पूछिए कि इमाम जज़ौली रहमतुल्लाह ताला एक बहुत बड़े फकीर और बहुत बड़े अल्लाह के मकबूल वली गुजरे हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है दलायल उल खैरात शरीफ। ये दलायल उल खैरात शरीफ हर सिलसिले के जितने भी सलासले तरीकत हैं सारे बुजुर्ग इसकी बाकायदा रोजाना तिलावत करते हैं सुबह सवेरे, दुरूद शरीफ की किताब है। हजरत इमाम जज़ौली उस किताब के अव्वल में सरकार के अस्माए मुबारका लिखते हैं, जैसे सरकार का नाम है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद, हामिद, महमूद, ये हुजूर के नाम है। इमाम जज़ौली फरमाते हैं जिस तरह ये सरकार के नाम है इसी तरह एक नाम है सैयदुना जिक्रुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हुजूर क्या है, ये खुद खुदा का जिक्र है, जो गोया हुजूर का जिक्र कर रहा है वो समझे कि मैं खुदा का जिक्र कर रहा हूं। तो सरकार का जिक्र खुदा का जिक्र है, इसीलिए अल्लाह ताला ने कलमा तैयबा के दो जुज किए हैं, पहला हिस्सा है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा हिस्सा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहले हिस्से में खुदा की तौहीद का जिक्र है, दूसरे हिस्से में हुजूर की रिसालत और नबुव्वत और अजमत का जिक्र है। तो दोस्तान मोहतरम, मेरे और आपके आका की शान और अजमत यह है कि अगर आप हुजूर का जिक्र समझ करते हैं तो यह समझो कि यह हुजूर का जिक्र भी है और इस जिक्र के अंदर खुदा का जिक्र भी है। जनाब जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इस आयत की एक तफसीर और भी है, वो ये के जालतो का तमामल ईमान बे जिक्र कमाई, ऐ महबूब मैंने ईमान का मुकम्मल होना, ईमान का कामिल होना तेरे जिक्र के साथ मुख्तस कर दिया है, जो तेरा जिक्र करेगा वही सच्चा मोमिन होगा, वही ईमान वाला होगा, और जो तेरे जिक्र से मुंह फेरेगा उसे ईमान की दौलत नहीं नसीब होगी, प्यार की दौलत नहीं नसीब होगी। इसीलिए आप सहाबाए किराम से लेकर आज तक, अहले बैत अतहार से लेकर आज तक जितने भी अल्लाह के बरगुजीदा वली गुजरे हैं, अल्लाह के दोस्त गुजरे हैं, वो सारे के सारे हुजूर का जिक्र करते थे, दरूदो सलाम पढ़ते थे, हुजूर की महफिलें करते थे। बल्कि हजरत अल्लामा जानते हैं कि एक बहुत बड़े आलम दीन गुजरे हैं अल्लामा सैयद मोहम्मद ज़ैनी दौलान मक्की, मक्के शरीफ के मुफ्ती हरम थे, बहुत बड़े चोटी के आलम थे। उनसे पूछा गया कि अहले सुन्नत वल जमात की अलामत क्या है, अहले सुन्नत वल जमात की निशानी क्या है, तो वो फरमाते हैं अलामतो अहले सुन्नत वल जमा कसरत सलात अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले सुन्नत की अलामत यह है कि वो कसरत के साथ हुजूर पे दरूद व सलाम पढ़ते हैं, हुजूर का जिक्र करते हैं। तो देखिए अल्लाह का कितना करम है, अल्लाह का कितना एहसान है,
कि हम जो सूफिया के मानने वाले हैं, जो औलिया के मानने वाले हैं, हमारी मस्जिदों में, हमारी खानकाहों में, हमारे घरों में, हमारी मजलिसों में, हमारी महफिलों में, सुबह शाम रात दिन हर वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक का जिक्र होता है। और वो जिक्र किस अंदाज में होता है कि कसरत के साथ हमारे यहां दरूदो सलाम पढ़ा जाता है। और ये दरूदो सलाम इतनी अजीम शय है, हदीस पाक के अंदर आता है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जुमे का दिन आता है तो कायनात की हर मखलूक, जमादात, हैवानात, सारी मखलूक खुदा की कसरत के साथ जनाब नबी करीम पर दरूद व सलाम पढ़ती है। सरकार की बारगाह में जब ये तोहफा पेश किया जाता है तो उलमा फरमाते इसमें हिकमत क्या है कि जुमे के दिन वो क्यों दरूद पढ़ते हैं। फरमाते इसके अंदर हिकमत ये है कि चूंकि कयामत जो कायम होनी है वो जुमे के दिन कायम होनी है और सारी मखलूक इसलिए कसरत से दरूद पढ़ती है कि कयामत के दिन सवाए हुजूर के कोई भी अपने सीने से नहीं लगाने वाला होगा। सारे कहेंगे, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, हुजूर फरमाते हैं कि सारे नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास जाओ, लेकिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे आना लहा, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी शफात करूंगा, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। तो दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह का करम और उसकी मेहरबानी है कि हम हर वक्त हुजूर का तज़किरा करते हैं, हुजूर का जिक्र करते हैं। क्यों करते हैं? कि ये जिक्र खुदा को पसंद है, ये खुद जिक्र खुदा को पसंद है। इतना पसंद है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तफसीलों को उठाकर देखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब आपको जन्नत से रुखसत किया गया और आपने रोने के बाद अल्लाह की बारगाह से दुआ मांगी हुजूर के वसीले से और हुजूर के औलाद के वसीले से, तो अल्लाह ताला ने पूछा कि ऐ मेरे आदम, ये बता कि तूने ये नाम कहां देखा है, किस जगह देखा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम, जब तूने मुझे पैदा किया, वनफख्तु फीहि मिन रूही, फिर मुझ में रूह फूंकी, रफा तो राशी, मैंने अपने सर को उठाया, मैंने अपने सर को उठाया, फरआई तो मक्तूबन अलल अर्श ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐ मेरे रब, मैंने जब अपनी नजर को उठा के देखा तो मैंने देखा कि अर्श के किनारों के ऊपर जहां पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है वहां वहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी लिखा हुआ है। और हदीस पाक में आता है कि जन्नत के पत्तों पर जहां खुदा का नाम है वहां हुजूर का नाम है, हूरों की पेशानियों पर जहां हुजूर अल्लाह का नाम है वहां हुजूर का नाम है, जन्नत के बागात समरात फलों पर जहां अल्लाह का नाम है वहां रसूलुल्लाह का नाम है। मेरे भाइयों, अहले बैत मस्जिद में आकर हुजूर का जिक्र सुनने वालों, खुदा की बंदगी करने वालों, खुदा की इबादत करने वालों, हम कितने खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने हमें उस महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के बरगुदीदा नबी, साहिबे किताब हैं, रसूल हैं, और तूर पे जाकर अल्लाह से हम कलाम होने वाले हैं, अल्लाह से मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें करने वाले हैं। परवरदिगारे आलम ने जब आपको इस मनसब और मर्तबे पे फायज किया तो फिर उसके बाद अल्लाह ने हुजूर का मकाम दिखाया, और वो किस तरह, रवायात के अंदर आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पे पहुंचे, उन्होंने अल्लाह से कलाम किया, तो एक फितरती तकाजा है कि बंदा जिसकी आवाज सुनता है चाहता है कि मैं उसे देखूं भी, उसका दीदार करूं, उसकी जियारत करूं।
हजरत मूसा अलैहि सलाम ने जब अल्लाह का प्यारा प्यारा मीठा मीठा कलाम सुना ना, तो अर्ज करते हैं या अल्लाह रब्बे अरे नी अंजुर इलैक, मालिकल मुल्क मुझे अपना दीदार अता फरमा। हजरत रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं ए मूसा लन तरानी, तू मुझे देख नहीं सकता। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि मैं दिखाता नहीं या मैं दिखा नहीं सकता, अल्लाह ने फरमाया मैं दिखाने के लिए तो तैयार हूं लेकिन तेरी निगाहों में वो ताकत नहीं है वो जमाले खुदा को देख सके। हजरत मूसा अर्ज करते हैं परवरदिगारे आलम अगर मैं नहीं देख सकता तो फिर कौन होगा जो तेरा दीदार करेगा, कौन होगा जो तुझे देखेगा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया कि ऐ मेरे कलीम तू कलीम है, वो मेरा हबीब है जो मेरा दीदार करेगा, मेरा हबीब है जो मेरा दीदार करेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम आना कलीमों का व मोहम्मद हबीबों का मल फर्क बैनल कलीम वल हबीब, ऐ मेरे मालिक मैं तेरा कलीम हूं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे हबीब हैं, ये बता के कलीम और हबीब में फर्क क्या है, कलीम कौन होता है और हबीब कौन होता है। परवरदिगार आलम ने फरमाया ऐ मेरे कलीम, कलीम और हबीब में फर्क यह है कि कलीम वो होता है जो तूर पे आके दीदार मांगता है और अल्लाह फरमाता है लन तरानी तू देख नहीं सकता, और हबीब वो है जो आराम से मक्के में अपने बिस्तर पे सोया हुआ होता है, अल्लाह जगा के कहता है महबूब आ मैं तुझे अपना दीदार अता फरमाऊं, आ मैं तुझे अपना दीदार अता फरमाऊं। कलीम मांगता है, खुदा कहता है लन तरानी तू देख नहीं सकता, और हबीब वो है जिसको मेरा अल्लाह कहता है इन्नल्लाह इश्ताका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह, जिब्राइल कहते हैं ऐ मेरे महबूब आइए अल्लाह आज आपका दीदार करना चाहता है, अल्लाह आपका दीदार। अच्छा यहां पर एक बात पर गौर कीजिए, मुझे अफसोस है कि आप पता नहीं उर्दू सही समझ सकते हैं, समझ सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बारकअल्लाह। एक बात पर गौर कीजिए कि अल्लाह ताला तो हर वक्त हर बंदे को देख रहा है, भाई आपको भी देख रहा है मुझे भी देख रहा है, अमेरिका वालों को पाकिस्तान वालों को मक्के शरीफ वालों को मदीना शरीफ, पूरी दुनिया में कोई ऐसी शह नहीं है कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको खुदा हर वक्त नहीं देख रखा, क्योंकि इन्नल्लाह समीउन बसीर, अल्लाह देख भी रहा है और हर एक की आवाज को सुन भी रहा है, ये उसकी शान है। अच्छा गौर की बात है कि जब अल्लाह हर वक्त हर मखलूक को देख रहा है तो फिर स्पेशल महबूब को कहता है कि आ मैं आज तुझे देखना चाहता हूं, भाई जब पहले भी देख रहा है तो आज कैसे देखना चाहता है। उलमा फरमाते हैं इसमें नुक्ता यह है कि अल्लाह ताला वैसे तो सारी मखलूक को देख रहा है, अल्लाह चाहता है महबूब आज आ अर्शों पे, आज सिर्फ तू मुझे देखे और मैं तुझे देखूं, आज सिर्फ तू मेरा दीदार करे मैं तेरा दीदार करूं, तू मुझे देखे मैं तुझे देखूं, तू मेरी बात सुने मैं तेरी बात सुनूं, गोया आज तन्हाई में बैठकर एक दूसरे को मुहिब और महबूब दीदार करना चाहते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं या अल्लाह पहला फर्क तो यह है कि कलीम वो होता है जो मांगता है और हबीब वो होता है जो मांगता नहीं है, अल्लाह बिन मांगे दीदार अता फरमाता, और फर्क क्या है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे कलीम, दूसरा फर्क ये है कि कलीम वो है जो तूर पे जाता है और जब तूर की वादी में दाखिल होता है तो कुरान कहता है फखलान अलैक, ऐ मेरे नबी जूते उतार दो, पापोश जूते उतार दो,
انک بالوادی المقدس مقدس طوا، اس لیے کہ آگے پاکیزہ وادی آ رہی ہے۔ کلیم تور پہ جاتا ہے، اللہ کہتا ہے جوتے اتار کے آؤ، اور حبیب کی شان یہ ہے کہ حبیب عرش پہ جاتا ہے، جوتے اتارنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے محبوب نانا اسی سمیت آ جا، جوتے پہن کے آ جا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک پنجابی کے عاشق نے اس کا پنجابی میں ترجمہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد پیارا بڑی شان والا، محمد پیارا بڑی شان والا، سنے جوڑے عرشاں تے چڑھ جان والا، سنے جوڑے عرشاں تے چڑھ جان والا۔ اور مولانا عبد الرحمان جامی جو بہت بڑے عاشق رسول ہیں، یعنی عاشقوں کے بھی وہ امام ہیں، حضرت سے پوچھئے کہ مولانا جامی کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، وہ کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھو نا تو کملی والے کی جو عظمت کی پہلی سیڑھی ہے نا، پہلا جو سٹیپ ہے، وہ عرش خدا سے شروع ہوتا ہے، وہ عرش خدا سے شروع ہوتا ہے۔ مولانا جامی فرماتے ہیں عرشست کمی پایا ز ایوان محمد، عرشست کمی پایا ز ایوان محمد، عرشست کمی پایا ز ایوان محمد، جبریل امی خادمو دربان محمد۔ مولانا جامی کہتے ہیں کہ جب آدمی نے کہیں اوپر چڑھنا ہو نا، مثال کے طور پر یہ دوسرا فلور ہے، اوپر آپ نے اوپر جانا ہو تو آپ سٹیپ لیں گے، سیڑھی لفٹ لیں گے، تو لفٹ کا ایک پہلا پایا ہوتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح اوپر جاتی ہے۔ مولانا جامی فرماتے ہیں کہ کملی والے کی جو عظمت ہے نا، ورفعنا لک ذکرک، وہ عظمت شروع ہی خدا کے عرش سے ہوتی ہے۔ جس کی عظمت خدا کے عرش سے اوپر شروع ہوتی ہے، اس کی عظمت کو میں کیا بیان کر سکتا ہوں، آپ کیا بیان کر سکتے ہیں، کسی کی کیا طاقت ہے، کسی کی کیا جان ہے کہ وہ سرکار کی عظمت کو بیان کرے۔ کسی اہل محبت نے کہا ہے کہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئیں زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، ہو گئیں زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے۔ بس حضرت آخری بات ایک آپ کی نظر کر کے بات کو ختم کرنے والا ہوں، ذرا محبت سے دیکھیے، چونکہ یہ مسجد اہل بیت ہے، اس لیے اہل بیت کے ذکر کے بغیر تو پھر بات پوری نہیں ہوگی نا۔ حضرت نالین مقدس حضور کے پاؤں کے نیچے ہیں، حضور کے پاؤں کے نیچے ہیں، اور ان کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ حضور کے پاؤں کی وجہ سے عرش کے اوپر ہیں۔ بڑی پیار والی بات کرنے لگا ہوں۔ نالین مقدس حضور کے پاؤں کے نیچے ہیں، نسبت کی وجہ سے ان کی شان یہ ہے کہ اب وہ عرش کے اوپر ہیں۔ غور کیجئے کہ جو نالین حضور کے قدموں کے نیچے ہیں وہ عرش سے اوپر ہیں۔ حسن اور حسین تو مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حسن اور حسین مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ارے جو پاؤں کے نیچے شے ہے وہ عرش سے اوپر ہے، جو مدینے والے کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا، ان کا کیا مرتبہ ہوگا، ان کی کیا شان ہوگی۔
अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, हजरत को सलामत रखे, आपके पीर और मुर्शिद का साया आप पर रहे, इस मस्जिद पर रहे, अहले बैत का साया रहे। यकीन जानिए कि मैं रात का यहाँ आया हुआ हूँ, इतनी तबीयत खुश है, इतनी तबीयत सुकून में है, इतनी इत्मीनान में है। अल्लाह ताला आपको मुझे यही प्यार, रसूलुल्लाह का प्यार, अहले बैत का प्यार, सहाबाए किराम का प्यार, इसी में जिंदा रखे, इसी में हमारी मौत आए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन बिरहमतिका या अरहमर रहीम।